मोमेंटम तो अच्छा दिखा ही रहा है। आइए अदानी पोर्ट्स, इस पर भी है ना हमारी नजर। सुबह जब बाजार में रिकवरी आई थी तो अदानी ग्रुप स्टॉक्स अच्छे दिख रहे थे, अभी भी अगर आप देखें तो अच्छी मूव दिख रही है। अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेस, दोनों के नंबर्स आएंगे कल। अदानी पोर्ट्स यहां पर कैसी रह सकती है परफॉर्मेंस, एक बार समझते हैं आशीष के साथ। आशीष बताइए क्या होगा यहां पर। दीपांशु, बढ़िया परफॉर्मेंस है। सबसे पहले आप देखिए कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है, टोटल वॉल्यूम ग्रोथ, वो 8.5% की बढ़िया देखने को मिल सकती है। अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ और बेहतर रियलाइजेशन से इस तिमाही में फायदा देखने को मिला है। साथ में अगर आप देखें तो जो इनका लॉजिस्टिक्स कारोबार है, यहां पर भी 13% की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। नंबर्स के हिसाब से देखें तो मुनाफा पिछले साल के मुकाबले 37% बढ़ेगा, 1748 करोड़ से बढ़कर 2391 करोड़। मार्जिन्स की बात करें तो 58.4% से बढ़कर 59%, हेल्दी स्टेबल मार्जिन्स यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। और कामकाजी मुनाफे में करीब 9% की बढ़त है, 3880 करोड़ से बढ़कर 4216 करोड़ के आसपास जो है आपको नंबर्स देखने को मिल सकते हैं। अब बात करें रेवेन्यू की तो यहां पर भी 7.5% का इजाफा है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो अदानी पोर्ट्स अच्छे नतीजे आएंगे और रिसेंटली कई सारी एक्विजिशंस भी की गई थी, तो देखते हैं वहां पर कैसी परफॉर्मेंस निकल कर आती है। एक चार्ट चेक हो जाए अदानी पोर्ट्स पर वागले साहब से। वागले साहब जरा बताएं सर, अदानी पोर्ट्स दीपांशु, अदानी पोर्ट्स आज कुछ वॉल्यूम बिल्टअप हुआ है, ये लेवल से थोड़ा सा बाउंस बैक होना चाहिए। 1300 का एक स्ट्रांग सपोर्ट है, करंटली है 1350, मुझे लगता है ये 1360 अगर ब्रेक करता है तो 1420 तक का इसका अगला टारगेट होगा। तो एज अ ट्रेड मुझे लेना है तो अबाउ 1360 ही लेना है, मोमेंटम तभी बनेगा 1420 के टारगेट के लिए, जो शायद कल रिजल्ट अगर आ रहा है तो उसके साथ आना चाहिए। ओके, तो ये है अदानी।